अंतागढ़ के चर्चित टेप कांड मामले में नए खुलासा करते हुए मंतूराम पवार सहित 6 प्रत्याशियों ने इस कांड का सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भूतपूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बताया। दरअसल अंतागढ़ टेप कांड मामले के मुख्य किरदार रहे मंतूराम पवार ने आज उपचुनाव के दौरान नाम वापस लेने वाले अन्य 6 उम्मीदवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े खुलासे किए। पवार ने कहा कि दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनकी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उनके दामाद पुनीत गुप्ता के साथ मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात फिरोज सिद्दीकी और संजय अग्रवाल ने कराई थी। इस दौरान कहा गया था कि जो भी आश्वासन दिया गया है उसे पूरा किया जाएगा। पुनीत गुप्ता राजेश मूणत के साथ बैठकर साफ काम कर देंगे। मंतूराम पवार ने कहा कि इस पूरे मामले में मैंने यदि पैसा लिया होता तो न्यायालय के शरण में नहीं गया होता। उन्होंने कहा कि टेप कांड के खुलासे के बाद आज वाइस सैंपल की बात कही जा रही है। मैंने कोर्ट से कहा है कि मैं वाइस सैंपल देने के लिए तैयार हूँ, जब भी बुला लो। जब मंतूराम वाइस सैंपल देने को तैयार हैं तो फिर पुनीत गुप्ता क्यों नहीं, अजीत जोगी क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि दाल काली नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। मंतूराम पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राजेश मूणत, अमन सिंह और ओम प्रकाश गुप्ता के खिलाफ धमतरी थाने में बुधवार को FIR दर्ज कराई है। अंतागढ़ के अंतहीन इस मामले में एक के बाद एक कई निग्नय खुलासे होते गए। मामला कोर्ट में गया, SIT जांच की गठन हुई और प्रत्याशियों द्वारा जिन्होंने नाम वापस लिया था उन्होंने 164 के दौरान बयान दिया। इस तरह इसमें कई खुलासे हुए, लेकिन अब देखना यह होगा कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्याराज।